मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। नसीब तो चला गया छोड़ के अब। What? चला गया तू? हसीन 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 मेरे बेटे हसीन 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 मेरा। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। साथ भाई कोई आया? सलामुअलैकुम जी। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम जनाब, हम बैंक की जानिब से आए हैं। मेरा नाम नदीम है और ये मेरे कोलीग मज़हर साहब है। क्या खदमत कर सकता हूँ आप लोगों? जी हम दरअसल इस बंगले के मालिक हसीब साहब से मिलना चाह रहे थे। उन्हें काफ़ी कॉल्स की मगर उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ कि जी दो दिन पहले इंतकाल हुआ, आज सोए मैं उनका। लेकिन मैं उसका दोस्त भी हूँ, कज़न भी हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए। दरअसल साहब, ये घर हसीब साहब ने बैंक से लोन पे लिया। जी आज कई माह गुजरने के बाद इस घर की लोन की पेमेंट नहीं हुई। सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है, मामला हमारे हाथ से बाहर है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है और आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन ये मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है कि मुझे आपसे इस वक्त ये बात करनी पड़ेगी। नहीं एक्चुअली आई एम सॉरी, लेकिन मैंने अभी बताया आज स्वयं है। आप लोग अगर कल आ जाएं या मुझे बता दें, आप कार्ड दे दीजिए, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। साहब अब जबकि हमें मालूम हो चुका है कि सूरत हाल क्या है, अब मजीद देर हम नहीं कर सकते इस मामले में। हमें फाइल क्लोज करनी होती है, आप हमारी मजबूरी समझे। देखिए बेहतर यही होगा कि उनकी बेगम मीरा हसीब से अगर मिलवा दें। आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल, आज दूसरा दिन है। वो बेचारी वैसे इतनी गमजदा है, मैं जाके अभी उसके सर पे ये पहाड़ तोड़ दूँ। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है सर, मतलब मैं भी। लेकिन साथ साथ हम मामले की नज़ाकत को समझिए, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी आज उनसे मुलाकात हुई तो ये हमारे लिए नहीं उनके लिए नुकसानदेह। इस केस की जो सूरत हाल है इसमें एक एक दिन कीमती है। हाँ लेकिन साथ साथ ये मामला भी संभल सकता है। एक दफ़ा हमारे हाथ से मामला निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामले की नज़ाकत को समझिए प्लीज। मैं मिलवा देता हूं आप लोगों को, लेकिन प्लीज उसके सामने या बच्चों के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ आप हम तो भरोसा कर सकते हैं। रेस्ट शो भी टेक केयर था, आप फिक्र रखिए हम संभाल। जस्ट टू मिनट्स।
माफ कीजिएगा मीरब साहिबा, हम आए तो यहाँ आसिब साहब से मिले थे, लेकिन यहाँ आकर के उनके अचानक मौत का इल्म हुआ। मुझे इल्म है कि ये वक्त ऐसी बात करने का नहीं है, लेकिन बैंक के कागजात में दरअसल आपका नाम हसीब साहब ने दिया हुआ है, इसलिए जरूरी था कि आपसे डायरेक्ट बात की जाए। प्लीज गेट टू द पॉइंट, ये वो वक्त नहीं है कि आप नीरव से लंबी चौड़ी बातें करें। रहने दीजिए भैया, इनका क्या कसूर, आप जो बात करने आए हैं वो आप करिए। आपके इल्म में होगा कि आपके शोहर हसीब साहब ने ये घर बैंक से लोन लेकर बनाया था, और इस मामले में हमारी उनसे गाह बगाह गुफ्तगू भी होती रही। इशू ये है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से इस घर की किस्त अदा नहीं की, और अब ये घर जब्ती की तरफ जा रहा है। What nonsense? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज आप हमें गलत ना समझिए, ये पेपर्स आप देख सकते हैं, ये तमाम तस्दीक शुदा कागजात हैं, और इसमें हमारा कोई लेना देना रमल दखल नहीं है। ये एक साल से हसीब साहब ने लोन की एक किस्त अदा नहीं की, हम उनको बार बार फोन भी करते रहे और उनसे मुलाकात भी करते रहे। मेरा ख्याल है कि हम बाहर चल के बात कर लेते हैं। नहीं, ये मेरा और मेरे बच्चों के घर का मामला है, प्लीज आप मुझसे और कोई बात मत छुपाए, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहे। देखिए मैडम, ये लास्ट नोटिस है, ये पेनल्टी की अमाउंट अदा करने के बारे में हसीब साहब को 30 तारीख तक का बता दिया गया था। ये रकम अगर 30 तारीख तक अदा ना हुई तो ये घर सील कर दिया जाएगा, और इसे बेचकर ये रकम ले ली जाएगी। ये कानून कहता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, बैंक का लीगल डिपार्टमेंट मौजूद है, वो ये सब चीजें देखता है। लेकिन दो दिन में हम इतने सारे पैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? That's impossible. ये पेपर्स और नोटिस की कॉपी मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, इसके साथ हमारे विजिटिंग कार्ड भी मौजूद हैं, इनको आप गौर से देख लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए और फिर हमें बता दीजिएगा दो दिन के बाद। ठीक है, हमने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, इशू ये है कि उन्होंने काफी अरसे से इस घर की किस्त अदा नहीं की, और अब ये घर जब्ती की तरफ जा रहा है। ये रकम अगर 30 तारीख तक अदा ना हुई तो ये घर सील कर दिया जाएगा, और इसे बेचकर ये रकम ले ली जाएगी। Ah.
आपने ऐसा क्यों? मेरा बच्चा आपके बगैर कैसे? मीरा, मैं जानता हूं कि मेरे दिलासे तुम्हारे दुख में कमी नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हसीब के बाद भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हसीब छोड़े। भैया, इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मुझे भी नहीं लगता था कि हसीब कभी इस तरह। ठीक कह रही हो तुम। माजी के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। मुझे अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है भैया। मेरी तो अपनी जिंदगी हसीब के साथ खत्म हो गई। मुझे सिर्फ फिक्र है अपने बच्चों के फ्यूचर की। बस मैं चाहती हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ जाए, कामयाब हो जाए। मुझे अब अपनी जिंदगी में अल्लाह से और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि काश ये सारी बातें तुम मुझे पहले बता देती तो शायद मैं कुछ कर पाता। लेकिन अब भी मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। कहीं तारे किस घर की पेनल्टी तो पे नहीं कर रहे? वाह मीरब साहब, वाह, बड़ी ताकत है आपके आंसू में। मेरे पास अब आपके अलावा और कोई नहीं। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली वक्त बहुत कम है हमारे पास। बैंक से थोड़ी मुद्दत मिल जाती तो शायद कुछ हो जाता। मेरा हसीब चला गया, मेरा मन्नतों मुरादों वाली औलाद चला गया, चला गया मेरा बेटा, अपनी माँ को छोड़ के चला गया। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूँ हसीब, कहाँ ढूंढूँ? मुझे लाचार माँ को छोड़ गया, इस जालिम दुनिया के लिए छोड़ गया पीछे मुझे। खाला सब्र करें, हसीब भाई की मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। भला होनी को कौन टाल सकता है? ये टाल सकती थी, होनी को ये टाल सकती थी। खाला, ये क्या कह रही हैं आप? इस सब में मीरा मेरे सामने हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरा बेटा एकदम से नहीं मरा है, उसको तेल तेल कब्र में उतारा गया है, हर रोज उसे मारा गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसे हर रोज मारा गया है। कभी महंगे स्कूल की ख्वाहिश तो कभी नए घर की फरमाइश, हर रोज एक नई चीज की चाह, ये चाहिए वो चाहिए, हर वक्त फरमाइश फरमाइश फरमाइश। मेरा बेटा इसने मारा है, इसने मारा, इसकी लालचों ने मारा है। ये क्या बात कर रही हैं आप? तारिक, मेरी बहन पे इल्जाम मत लगाएं, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि ये सच है, 100% सच है, सोलाना सच है। तुम्हारी बहन ने ही मारा है मेरे बच्चे को, इसी ने ही मारा है, इसकी लालच ने मारा है। बस कर दीजिए, सरासर गलत कह रही हैं आप।
कमजोरी आपके बेटे हसीब में थी। बुजदिल था वो, निरा बुजदिल। अपने बीवी बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे सका जो उनका हक थी। जरा सी सख्ती तंगी बर्दाश्त नहीं हुई उससे, इसीलिए अपना मुंह छुपा के खुदकुशी कर ली। मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाएं। कमजोर आपका बेटा हसीब था। नहीं थे मेरे बाबा कमजोर और बुजदिल। और उन्होंने मेरे और मम्मा की वजह से सुसाइड नहीं किया था। और आप चुप हो जाएं। वो मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाबा थे। और आप लोग उन्हें बुजदिल कहते हैं, कमजोर कहते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मतलब ये कि आपकी बहन की लापरवाहियां ही हैं जिसकी वजह से हसीब ने खुदकुशी कर ली। नीरब ने अपने दोनों हाथों से हसीब की दौलत लुटाई, जेवर कपड़ा घूमना फिरना खूब अयाशियां की गई, और आज जब उस पर तंगी आई है तो लगी सबके आगे आंसू बहाने। घर बैठने के बजाय सड़कों पर घूमने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। खाला कैसी बातें करती हैं आप कभी कभी, बोलने तो आप जानती हैं कि मीरा ने कितना रोका था हसीब को, मैंने कितना रोका था उसे। ये हसीब ही था जिसने मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई।
बड़े तो बड़े, यहाँ के तो बच्चे भी नफसियाती हैं। माय गुडनेस, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी जबान। अनम प्लीज, बात को कोई और रुख मत दो। मैं पहले ही मीरब की वजह से। बस तारिक, मैं बहुत सुन चुकी मीरब मीरब, अब और नहीं सुनूंगी। और वैसे भी आज जब मैंने दानिया के जुमले सुने तो मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि मीरब की सास ने जो उस दिन जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बहन की लापरवाहियां ही हैं जिसकी वजह से हसीब ने खुदकुशी कर ली। मीरब ने अपने दोनों हाथों से हसीब की दौलत लुटाई, जेवर कपड़ा घूमना फिरना खूब अयाशियां की गई, और आज जब उस पर तंगी आई है तो लगी सबके आगे आंसू बहाने। अपने बच्चों तक की तो ठीक से तरबियत नहीं की उसने। कुछ भी है, मैं ऐसे अपनी बहन को छोड़ नहीं सकता। ओ, तो यानी कि अब आप मीरब के सर से करोड़ों का कर्जा उतारेंगे और ये घर उसके नाम करने की कोशिश करेंगे? नहीं? हाँ। वाह मीरब बीबी, वाह, बहुत ताकत है आपके आंसुओं में। हसीब को तो कब्र में उतारा ही उतारा, अब अपने भाई की दौलत को भी दीमक की तरह चाटने का इरादा है। एनीवे, आई डोंट केयर, मैंने आपकी और अपनी फ्लाइट बुक करवा दी है। अब से ठीक 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, सो यू बेटर बी रेडी। मेरी बात समझने की कोशिश करो अनम, मैं ऐसे कैसे? क्या मतलब है? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप पे सबसे पहले मेरा और मेरे बच्चों का हक है, उसके बाद दूसरों का। और वैसे भी आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है कि जिस तरह मीरब हसीब को सड़क पर ले आई उसी तरह आपके करुणों को आग में झोंक देगी। बेहतर यही होगा आप इस बात को समझ लें, बिकॉज शी इज जस्ट अ लूजर, जस्ट लाइक हर हस्बैंड। जिस हादसे से आप सब लोग दो चार हैं इस वक्त, वो हादसा दानिया की नन्नी से जहन के लिए बहुत बड़ा हादसा है। वो इस वक्त स्ट्रेस्ड है, उसका नॉर्मल लाइफ में आना बहुत जरूरी है। बस आप लोग कोशिश करें कि मेडिसिन टाइम पे दें और उसे अकेला ना छोड़ें। मुझे इजाजत? आई छोड़ देता, आ रहा हूं। जिंदगी अब और जीने का हौसला न रहा, साया बन के छाया गम हो जहां, हो कैसे उजाले मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप लोगों पे क्या गुजर रही है, लेकिन आप लोग भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि हसीब सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, मेरे लिए भाइयों से बढ़के था। मैं नहीं चाहता हूं कयामत के रोज जब वो आके मेरे सामने खड़ा हो तो मैं शर्मिंदगी से अपना सर झुका दूं। मेरे कुछ फराइज हैं जो मुझे पूरे करने हैं। साथ के कहने का मतलब है कि आप लोग जब तक इस घर में रहेंगे, दानिया के जहन से हसीब भाई की मौत का मंजर मिटाना बहुत मुश्किल है।
और फिर आए दिन बैंक वालों का आना, लॉयर्स का आना जाना, ऐसे में वो बहुत डिस्टर्ब होगी। हसीब की मौत ने तो तोड़ कर रख दिया है मुझे, तोड़ कर रख दिया। मेरे बच्चे को नजर लग गई, मेरे बच्चे को नजर लग गई। खुदा जानता है मुझे अब इस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी दुआ है कि जल्द मैं भी अपने बच्चे के पास, उसके अम्मा के पास पहुंच जाऊं। साला कैसी बातें कर रही हैं, ऐसी बात मत करें। खाला मैं क्या कहूं, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दानिया ने जो किया वो किसी भी माँ के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं। काश काश दानिया उससे मेरे साथ ना होती, काश तानिया ने वो सब कुछ ना देखा होता जो मैंने देखा। इसीलिए कह रहा हूँ मीरा, समझने की कोशिश करो। दानिया अगर यहाँ रहेगी बहुत मुश्किल है उसके जहन से ये सब कुछ निकल जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटी बच्ची है वो अभी, ये मंजर नहीं निकलेगा उसके दिमाग से, बहुत बड़ा सानिया था। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं साथ, यहां से तो जाना है मैं, यहां से जाना हल नहीं है। तानिया के दिमाग में तो सवाल आएंगे और उन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। कोर्ट से घर को सील करने का ऑर्डर आ गया और फाइनेंसर दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और खाला के घर जाने से क्या होगा, मसाइल तो मेरे साथ ही, वो बेशक खाला का घर हो या ये घर, उनका कोई हल नहीं। हम मानते हैं कि ये मसले का हल नहीं है, मगर वक्ती तौर पे बच्चों का माहौल बदल जाएगा और फिर ऐसे में हो सकता है कि उनको मदद मिले इस सदमे से निकलने की। देखो समझो इस बात को, दानिया और राहिम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, और मीरा भी इस बात को भी अंडरस्टैंड करो कि ये गाड़ी तुमने लेके चलनी है आगे। प्लीज। और फिर साजदा खाला भी अकेली नहीं होंगी, वो उनकी बहन का घर है, उनका भी दिल लगा रहेगा वहां पे। और मीरा हमारे बच्चों की इतनी दोस्ती है, खेल कूद में वो ये भूल जाएंगे। प्लीज नहीं कर सकती, मुझे क्यों छोड़ के दानिया राहिम, आज हम ढेर सारा फन करेंगे, गेम्स खेलेंगे बाहर जाके और बहुत ज्यादा मजा करेंगे। अच्छा दानिया आप बताओ हम कहाँ चलें, जहां आप कहोगी वहां चलेंगे। राहिम मेरी ना एक क्लब में मेंबरशिप है, वहां पे क्रिकेट होती है बड़ी जबरदस्त, मैं बैटिंग करूंगा तुम बॉलिंग करना, मैं देखता हूँ तुम आउट कर सकते हो या नहीं। मैं तो बॉलर नहीं, मैं बैट्समैन हूँ, बाबा कहते हैं मैं उनसे भी अच्छा बैट्समैन हूँ। सॉरी बाबा कहते थे, अब तो वो नहीं है, मैं उनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेल सकता।
अच्छा चलो क्रिकेट छोड़ो, हम कोई इंडोर गेम खेलते हैं ना। डानिया तुम्हें पता है मेरे रूम में बहुत सारे अच्छे टॉयज हैं, आज हम वो सारे टॉयज मिलकर शेयर करेंगे। चलो जाओ जाओ खेलो जाके। चलो दानिया राहिल जाओ खेलो जाके। मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता, ऐसा करी जहां में हमारे घर का क्या हुआ, कुछ बंदोबस्त हुआ रकम का? जी खाला कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस आप दुआ करें। साद क्या तुम मुझे बैंक लेके जा सकते? हाँ लेकिन क्यों? मैं एक बार बैंक जाके खुद कोशिश करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कोशिश पे यकीन नहीं, लेकिन मैं एक बार खुद जाना चाहती हूँ, शायद मेरी बात करने से कोई हल निकल आए। दीदी जब अपनी छत, अपने बच्चों और सबसे बढ़कर अपने मियाँ का ख्याल रखने का वक्त था, देखभाल का वक्त था, वो वक्त तो अपने हार सिंगार में गुजार दिया, और अब कौन सी राह निकालने की कोशिश कर रही हो? अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं अपना सारा जेवर बेच देती हूँ और बैंक की पेमेंट कर देती, मैं किसी भी हाल में इस घर को बचाना चाहती। नहीं मेरब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? मेरब ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर की कीमत कम से कम 8.5-9 crore, और किस्तें ना देने की वजह से पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा पड़ गई। अगर तुम ये सारे जेवर बेच भी दोगी तो मसला हल नहीं होगा। तुम क्या बात कर रहे हो साहब, अच्छा खासा जेवर है मेरे पास, आधे से ज्यादा तो डायमंड के सेट से, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या वो किसी भी काम नहीं आ सकता? आ सकते हैं लेकिन इस काम नहीं आ सकते। मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई, घर दौलत सब खाक हो गई, और अब उसकी औलाद, उसकी माँ दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, और यहां अब वो कोशिशें की जा रही। अरे वो उस वक्त होते हैं। आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने हसीब से बात की थी, एक बार नहीं कई बार की थी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आप भी जानती हैं कि बोलने का वक्त नहीं है बीबी, सबको पता है मेरा बेटा क्यों गया और कैसे गया। अब ये सैर सपाटों के बहाने तलाश मत करो, घर में बैठो और इद्दत पूरी करो, या ये भी अपने मरे हुए मियां के लिए मुश्किल लग रहा है तुम्हें? मेरे बेटा देखो बेटा, साजदा ठीक ही तो कह रही है, इद्दत में हो तुम, तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। किसने कहा? सीरियसली मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दीन में तो विवाहों के लिए ऐसी कोई सख्ती नहीं, अगर वो बाहर निकल के अपने हुसूल के लिए जरूरत के तौर पे जाना चाह रही है, अपना घर अपने बच्चों का सहारा बचाना चाह रही है, तो क्या हर्ज है इसमें? जाने दे उसे बाहर। हर्ज है, बिल्कुल है। लोग क्या कहेंगे कि पहले शोहर को उस हाल तक पहुंचाया कि वो अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठा, और अब इज्जत से सर ढांप के घर बैठने के बजाय सड़कों पर घूमने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। खाला कैसी बातें करती हैं आप कभी कभी, नहीं बोलने दो यार।
आप जानती हैं कि मीरा ने कितना रोका था हसीब को, मैंने कितना रोका था उसे, ये हसीब ही था जिसने। साजदा, साजदा, छोड़ो साथ, शायद अम्मी और खाला ठीक कह रहे हैं। वो जो बातें कह रहे हैं वही मेरा नसीब, और शायद अब मुझे इसी तरह जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। ऐसा करी जाने बता दे कहाँ।